हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पहली बार आपको हेयर स्टाइल एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं हाई बन, जो कि हम 10 मिनट में बना सकते हैं। पहले तो हमें अच्छे से हाई पोनी बनानी है, जो कि आप देख सकते हो। आप देख सकते हो जैसे कि मैंने रबर बैंड में 2 बॉबपिंस डाल के उसकी पोनी बनाई है। उसके बाद मैंने फ्रंट का बॉक्स सेक्शन निकाल के उसके सब सेक्शन निकाल के बैक कॉम्बिंग किया है, जिससे कि मैं वॉल्यूम क्रिएट कर सकूं। बैक कॉम्बिंग के बाद मैंने बालों को अच्छे से कॉम किया है और यूपिन के द्वारा उसको अच्छे से स्टे किया है। आप देख सकते हो मैंने यूपिन के द्वारा टेम्पररी स्ट्रे किया है, वॉपिन नहीं लगाई है। उसके बाद मैंने साइड का सेक्शन लेके, आपने देखा होगा मैंने बैक कॉम्बिंग किया है। उसके बाद मैं पुलिंग टेक्निक यूज़ कर रही हूँ, उसको अच्छे से सेट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने वॉपिन से उसको अच्छे से पिनअप किया है। उसके बाद दूसरा सेक्शन लेके मैं सेम टेक्निक यूज कर रही हूँ। का बॉक्स सेक्शन निकाल के जो टेम्पररी स्टे किया था, उसे अभी मैं खोल के वापस से अच्छे से कॉम करके पुलिंग टेक्निक कर रही हूँ। अभी ये सेक्शन को हम अच्छे से बॉब पिन के द्वारा पिन कर देंगे, जिससे कि सेक्शन निकलेगा नहीं। अभी हम डोनट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मैं यू पिन से फिक्स करूँगी। इसके बाद मैं छोटे छोटे सेक्शन निकाल के इसको यू पिन के द्वारा स्टे कर रही हूँ, जो कि आप देख रहे हो मैंने कितने छोटे छोटे सेक्शन लिए हैं। ये सेक्शन मैं पूरे डोनट पे ले रही हूँ। अभी हम सेक्शन उठा के उसको ट्विस्ट करके उसके छोटे छोटे राउंड्स बना लेंगे और उसे यूपिन के द्वारा वहाँ पे स्टे करेंगे, जहाँ पे वो सेक्शन था वहीं पे। ऐसे ही राउंड्स हम पूरे डोनट पे करते जाएंगे। Thank you.
आप देख रहे हो जैसे कि मैंने बीच में थोड़ा सा सेक्शन रखा था और उसकी मैं एक सिंपल ब्रेड बना रही हूँ और उसे लूज करके पुल कर रही हूँ जिससे कि हम पेटल बना सके और एक रोज़ का पैटर्न बना सके। अभी उस ब्रेड को मैं अच्छे से वन साइडेड कॉर्नर से घुमा के ऊपर की तरफ ले जा रही हूँ जिससे हम रोज़ पैटर्न बना सकें। स्मॉल यू पिंस के द्वारा मैं उसे फिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने ये हेयर स्टाइल ओनली 7 मिनट और 30 सेकेंड में बना ली है।